हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ ला रहा हूँ सेकंड वीडियो, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जर्मन स्टूडेंट नेशनल वीज़ा। ये वीडियो है विडेक्स फॉर्म के बारे में, जिसको आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भी कहते हो। विडेक्स फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आप अपनी सारी बेसिक डिटेल डालते हो, आप अपने इंटेंडेड ट्रैवल डेट डालते हो, सारी इन्फॉर्मेशन जो जर्मन एम्बेसी के पास जाती है। जो जो डिटेल्स आप इसमें डालते हो, वही सारी जर्मन एम्बेसी के डाटाबेस में आती है। सो इस फॉर्म को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से भरना होता है। मैं यही इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे विडेक्स फॉर्म हो गया, फॉर्म 54 हो गया, और जो डिक्लेरेशन फॉर एडिशनल कॉन्टैक्ट एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन है, वो ढंग से भर सकते हो, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, कन्फ्यूजन आती है। सो अगर तो आप चेकलिस्ट पर डायरेक्टली क्लिक करोगे एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप आ जाओगे विडेक्स फॉर्म में, जो ये है, ये वाला, हमें ये वाला भरना है। बट कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सर्च करते हैं तो उन्हें ये वाले विडेक्स फॉर्म दिख जाता है, शॉर्ट टर्म वाला हो गया, या ये वाला जो मैनुअली टाइप होता है, ये भी आपको जर्मन एम्बेसी में मिल जाएगा। तो ये वाला फॉर्म और ये वाला विडेक्स फॉर्म गलत है, ये नहीं भरने, आपको ये वाला भरना है। ये वाला है लॉन्ग टर्म स्टे के लिए, अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो आ जाएगा विडेक्स लॉन्ग टर्म स्टे, आपको ये वाला भरना है। तो जब आप इस पे आ जाओगे, सबसे ऊपर आपको ये न्यू एप्लीकेशन दिखेगा, ये आप इस पे क्लिक कर सकते हो, या ये ऑलरेडी हर वक्त न्यू एप्लीकेशन एम्प्टी एप्लीकेशन ही होती है। सो अब मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे फिल आउट कर सकते हो। सो अभी के लिए मैं डमी डिटेल यूज कर रहा हूँ, बट आपको अपनी असली डिटेल यूज करनी है। सो अब बड़ी आती है पर्सनल डिटेल्स की। पर्सनल डिटेल में आपकी बेसिक डिटेल, जैसे फैमिली नेम, आपका सरनेम, फर्स्ट नेम, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, का प्लेस ऑफ बर्थ, की कंट्री, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, और आपकी करंट नेशनैलिटी। और उसके बाद एक और चीज़ है, अगर आपके चिल्ड्रन है, चाहे वो 18 से नीचे या ऊपर है, अगर आप लॉन्ग टर्म स्टे के लिए जा रहे हो, तो आपको उनको भी, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। सो आपको यस पे टिक करके उनकी डिटेल्स डालनी है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आते हैं पेरेंट्स ऑफ एप्लीकेंट। पेरेंट्स ऑफ एप्लीकेंट में सबसे पहले आते हैं आपके फादर डिटेल्स एंड मदर डिटेल्स जो पूछते हैं। तो आता है पहले फादर नेम, फादर की नेशनैलिटी, फादर का डेट ऑफ बर्थ, फादर की प्लेस ऑफ बर्थ एंड फादर की रेजिडेंस। तो देखो, फादर की प्लेस ऑफ बर्थ जो आपने पासपोर्ट में आपके आपके फादर एंड मदर ने दी होगी, आपको वही डिटेल्स डालनी है। अगर आपके फादर या मदर का पासपोर्ट नहीं है, तो जो उनका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, आपको उसके अकॉर्डिंग डालनी है कि वहाँ पे क्या चीज़ दी है। जो चीज़ें उनके बर्थ सर्टिफिकेट या तो उनके पासपोर्ट में, या जो उनके लीगल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, वही सारी उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल्स डालनी है। आप ये सारी डिटेल्स अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो। तो जो आपके फादर की सिटी होगी वो आप डाल देना, और आपके फादर का करंट एड्रेस। सेम गोज फॉर मदर। मदर में भी आपको उनकी सिमिलर डिटेल डालनी है, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका प्लेस ऑफ बर्थ और उनका एड्रेस। फिर बात आती है जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, इसका ऑक्यूपेशन लर्न। सो अगर तो आपके पास कोई प्रीवियस ऑक्यूपेशन आप करते थे, तो इसमें वेरियस सेक्शंस होते हैं, वेरियस कैटेगरीज होती है, उसमें आपको एक चीज़ सिलेक्ट करनी है। अगर आप नहीं करते, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट या नो ऑक्यूपेशन अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जैसे पहले आईटी फील्ड में था, तो मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट क्लिक करके यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन में आईटी इंडस्ट्री लिख सकता हूँ। ये मैंडेटरी नहीं होता, बट अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। और आप एक चीज़ और नोट करेंगे कि जैसे जैसे आप ये डिटेल्स फिल करते रहोगे, आपका जो ऊपर का बार है वो कलर चेंज करता रहेगा। ग्रीन कलर मतलब ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर आप कितने सारी डिटेल्स भर दी और तब भी रेड कलर दिखा रहे, तो मतलब आपका कोई सेक्शन मैंडेटरी वाला अभी भी पेंडिंग है। तो एक बार फॉर्म को दोबारा गो थ्रू करना। जैसे जैसे आप करते रहोगे, आपकी सारी सारे ये जितने भी रेड रेड बार है, ये सारे ग्रीन में कन्वर्ट होते रहेंगे। तो जब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, वो हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो आपका करंट एड्रेस डालना है, या आपका करंट एड्रेस होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट का एड्रेस सेम है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तब भी आपका करंट एड्रेस जहाँ पे आप अभी रह रहे हो, तो उसकी स्ट्रीट, हाउस नंबर, आपका 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 पोस्टल कोड, सिटी, सिमिलरली आपका यहाँ पे आपने सिमिलरली आपने अपना मोबाइल नंबर डाला, और साथ के साथ ईमेल एड्रेस। और इसके नीचे आता है इज योर रेसिडेंस इन अ कंट्री अदर देन स्टेट ऑफ योर करंट नेशनैलिटी। अगर आप किसी और नेशनैलिटी के बंदे हो जो इंडिया में रह रहे हो, फिर आपको टिक करके अपनी उसके अकॉर्डिंग डिटेल्स फिल करनी है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है, वो आता है आइडेंटिफिकेशन पेपर। जो आइडेंटिफिकेशन पेपर होता है, वो होता है हमारा पासपोर्ट। अब हमारे पास जो वो ब्लू कलर का पासपोर्ट होता है, वो होता है ऑर्डनरी पासपोर्ट। तो हमें ऑर्डनरी पासपोर्ट पे क्लिक करना है, और हमें यहाँ पे अपनी पासपोर्ट की नंबर डायल कर देना है, और फिर डेट ऑफ इशू में जो आपके पासपोर्ट जिस डेट को इशू हुआ था वो, और वो जब और वो कब तक वैलिड है, वो डिटेल डालनी है अपने पासपोर्ट को देख के। एंड इशूइंग स्टेट में आता है इंडिया। जो हमारे पास जो इंडियन पासपोर्ट है, वो इंडिया में इशू हुआ है, और जो इशूड बाय होता है, वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो आप यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डाल सकते हैं। फिर बात आती है इशूड इन। अब आप अपने पासपोर्ट पे देखोगे, तो वहाँ पे एक प्लेस ऑफ इशू आएगा,
तो वो आपको डालनी है, वो आपकी एरिया होगा जहाँ पे आपका पासपोर्ट इशू है, लाइक दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, चंडीगढ़, मुंबई, जो आपके पासपोर्ट में प्लेस ऑफ इशू है वो आपको डाल देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है, ये आता है आपका ट्रैवल डाटा। अब ये वाला इंपॉर्टेंट होता है, इसमें अब पर्पज पूछता है आपसे और आप कितने टाइम के लिए रहना चाहते हो। तो हमारा पर्पज क्या, आपका स्टडी है या लैंग्वेज कोर्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। जैसे हमारा स्टडी पर्पज है तो हमने स्टडी पे क्लिक किया, इफ़ एप्लीकेबल इंटेंडेड इम्प्लॉयमेंट। अब हमारी इम्प्लॉयमेंट है नहीं तो अभी के लिए हम कुछ नहीं भरेंगे इसमें, बट अब जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछते हैं इंटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे इन फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। तो इसमें फॉर्म टू टू होता है, तो इसमें डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कितने टाइम का। अगर आप बैचलर्स है तो आपका 3 साल का, मास्टर्स है तो 2 साल का, लैंग्वेज है तो लैंग्वेज 1 साल से कम होगी, तो आपको वो डेट डालनी है। और इसमें आपको ये डेट बहुत ज़्यादा ध्यान से डालनी होती है, क्योंकि जो आप यहाँ पे डेट डालोगे वही आपके वीज़ा के स्टैम्प के ऊपर लगेगी। तो इसमें सोच समझ के डेट डालनी होती है। इसमें एडवाइजेबल होता है कि जब आपकी अपॉइंटमेंट है उसके 4 वीक्स के बाद की आप डेट डाल दो इंटेंडेड ट्रैवल डेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी अपॉइंटमेंट 1 अक्टूबर को है तो आप 1 नवंबर की डेट डाल दो यहाँ पे, कि मैं 1 नवंबर से मेरा ड्यूरेशन स्टार्ट होने को एक्सपेक्ट करता हूँ। अब इसमें क्या है, जब आप 1 नवंबर डालोगे, आपने जैसे 1 नवंबर डाल दिया यहाँ पे, अब उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टूथ सेलेक्ट करना है कि अब जैसे अगर आपका कोर्स 2 साल का है तो 2024 तक हो गया, 3 है तो 2025 तक हो गया, तो आपको आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपनी टू एंड फ्रॉम डेट डाल देनी है। उसके बाद ये नीचे पार्ट आता है, आई इंटेंड टू स्टे फॉर नो लॉन्गर देन 12 मंथ इन फेडरल टेरिटरी एंड अप्लाई फॉर वीज़ा दैट कवर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ माई स्टे। अब आपका कोई अगर स्टे है जो 90 डेज से ज़्यादा है और 12 मंथ से कम है, तो आपको ये टिक करने ज़्यादा का, जैसे लैंग्वेज कोर्सेज हो गए जिनका ड्यूरेशन 1 साल से कम होती है तो उनको ये सिलेक्ट करना है। बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, जैसे हम मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, तो हमें येस पे क्लिक नहीं करना, ये उनको करना है जो 12 महीने से कम जर्मनी के लिए जा रहे हैं। उसके बाद आता है रेफरेंस। अब रेफरेंस में आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डिटेल्स जाएगी, जैसे आपका जो यूनिवर्सिटी है या लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है आपको उसकी डिटेल लिखनी है। तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन में आपका यूनिवर्सिटी होगी, ऑर्गेनाइजेशन में आपका ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस बिजनेस में आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सिटी होगी, फॉर एग्जाम्पल बर्लिन, और कंट्री होगी जर्मनी, किस कंट्री में है वो। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड एरिया ऑफ एक्टिविटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो हम यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, आप इसको रहने दे सकते हो। नेम ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन ऑफ रजिस्टर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, आप इसको रहने दे सकते हो क्योंकि मैंडेटरी फील्ड नहीं है। उसके बाद आता है मैंडेटरी फील्ड वाला, आपको आपके कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल शेयर करनी होती है। तो इसमें आपको उन पर्सन की डिटेल शेयर करनी होती है जो आपका इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या लैंग्वेज इंस्टीट्यूट के फॉरन अफेयर संभाल रहे हैं, जिसमें एम्बेसी, जिसको एम्बेसी कांटेक्ट कर सकती है अगर उनको आपके बारे में कोई चीज़ें पूछनी हो। तो यहाँ पे आपको वही डिटेल्स डालनी है जो आपके यूनिवर्सिटी या लैंग्वेज इंस्टीट्यूट के फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन रिलेशन संभाल रहा हूँ। अब इसकी डिटेल हमें कैसे पता चलेगी, आप अपनी यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली मेल कर दो कि मेरे को उन लोगों की डिटेल भेज दो जो फॉरेन अफेयर संभालते हैं, या तो आपके पास जब एक एडमिशन लेटर आया होगा उसके नीचे एक बंदे ने साइन करके आपको भेजा होगा। सो यूजुअली वही पर्सन होता है जो फॉरेन अफेयर संभालते हैं, सो आपको उनकी डिटेल लिखनी है। तो उनका फैमिली नेम में उनका सरनेम और उनका फिर फर्स्ट नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ रहने दे सकते हो। उसके बाद आपका वो स्ट्रीट होती है, इसमें आपकी यूनिवर्सिटी की है, जो वो एक एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, आप वही डाल सकते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस देते हैं तो आपको वही डालना होता है, हाउस नंबर में, फिर पोस्टल कोड, टाउन एंड कंट्री, फिर उनका सिमिलरली एक मोबाइल नंबर होता है वो दे देते हो, और ईमेल एड्रेस। सो ये सारी डिटेल्स आप डालते हो रेफरेंस में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट, मीन्स ऑफ सपोर्ट। सो मीन्स ऑफ सपोर्ट में आता है कि आप जर्मनी आ रहे हो तो आप फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट हो रहे हो। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सब ने ब्लॉक अकाउंट खुलवाए होते हैं क्योंकि वो मैंडेटरी है। तो हम यहाँ पे लिखे कि ब्लॉक्ड अकाउंट, कि हम ब्लॉक अकाउंट एक ऐसा सोर्स ऑफ मीडियम है जो हमें फाइनेंशियली हेल्प करेगा जर्मनी में सर्वाइव करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, हैज़ अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट बीन कम्प्लीटेड। सो अगर तो आपको कोई स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप में जा रहे हो, तो आपको ये चीज़ें क्लिक करनी है। अगर आपको, अगर जिसको आपको स्पॉन्सरशिप या फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, तो आपको येस करके उनकी डिटेल फिल करनी है। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं, आप नॉर्मली जा रहे हो, तो आपको नो क्लिक करना है। उसके बाद जो इसका ही नेक्स्ट पार्ट है, इसके नीचे जस्ट वो आता है इंटेंडेड प्लेस ऑफ स्टे इन जर्मनी। अगर तो आपके पास आपकी अकोमोडेशन फाइनलाइज होगी, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आ गया, तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल लिख दो। बट अगर नहीं आया तो डरने की बात नहीं, इनको खाली छोड़ दो। यहाँ पे आपसे पूछे कि पोस्टल कोड एंड टाउन ऑफ सिटी, तो यहाँ पे अपना पोस्टल कोड, अपनी यूनिवर्सिटी का ही पोस्टल कोड दे दो और अपनी अपनी यूनिवर्सिटी का टाउन, वो सिटी बता दो कि जिस जिस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी लोकेटेड है।
उसके बाद जो इसका नीचे वाला पार्ट हैव यू बीन अकोमोडेटेड, अगर तो आप अकोमोडेशन है आपके पास तो आप बता दो कि आपकी किस टाइप की अकोमोडेशन है, सिंगल रूम है, अपार्टमेंट है, जो आपकी जो जैसा आपको अकोमोडेशन मिला उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, डू यू इंटेंड टू रिटेन योर परमानेंट रेजिडेंसी आउटसाइड द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। अब यहाँ पे बहुत बंदे पूछते हैं कि येस करें नो करें, तो मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको करना है येस। अब मैं बताता हूँ आपको क्यों करना है येस। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, ये है डू यू इंटेंड टू रिटेन योर परमानेंट रेजिडेंस आउटसाइड द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। अब यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन आती है कि हम येस पे क्लिक करें या ना करें, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको येस पे क्लिक करना है। मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या होता है। देखो जब आप एज अ स्टूडेंट जा रहे होते हो, आप स्टूडेंट वीजा पे जा रहे होते हो, तो आपका प्राइमरी गोल स्टडी होते हैं कि मैं पढ़ के अपनी कंट्री वापस आऊंगा, मेरा वहाँ पे रहने का कोई लॉन्ग रिमेनिंग नहीं है, मेरा वहाँ पे मतलब मैं ऐसे इंटेंशन से ही नहीं जा रहा कि मैंने वहाँ पे जाके रहना ही है। ऐसा इंटेंशन दिख रहा है कि आप वहाँ पे जाके रहना चाहते हो, तो जो वीजा ऑफिसर्स होते हैं उन्हें लगता है कि आपका जो स्टडी पर्पज से जो आप जा रहे हो वो असली नहीं है, आपका कोई असली में मतलब ही और है कि आपको वहाँ पे रहना है या काम करना है, आपका स्टडी मेन मोटिव नहीं है, बस आपका एक स्टडी वीजा एक मीडियम है उस कंट्री में जाने का। सो आपको ऐसा इंटेंट दिखाना होता है हर वक्त कि आप सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहे हो, और जो भी बाद में फ्यूचर की चीज़ें होगी वो अलग चीज़ें होगी, वो आज के सिनेरियो पे रिलेट नहीं करेगी। अभी के हिसाब से मैं वापस अपने कंट्री आना चाहता हूँ, मैं सिर्फ उस कंट्री में पढ़ने के लिए जाता हूँ। यहाँ पे आपने फिर इंडिया लिख दिया, और अगर आपके फैमिली मेंबर्स आपको कंपनी कर रहे हैं तो आप यस करके उनकी डिटेल्स डाल दो। और ये फिर पार्ट आते हैं डू यू हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस फॉर अ लॉन्गर स्टे फॉर फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। सो अब आपको पता ही है जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी होती है, पब्लिक हो प्राइवेट हो, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है वो है प्रीवियस स्टे इन जर्मनी। अगर आप जर्मनी कभी विजिट कर रहे हो तो आप यस पे क्लिक करके उसकी डिटेल्स फुल कर दो, वरना आप रहने दे सकते हो। उसके बाद आती है फाइनल फ्यू डिक्लेरेशंस कि हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड, आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, अगर चल रहा है तो यस करके नो कर दो। हैव यू एवर बीन एक्सपेल्ड और डिपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी, अगर आप कभी हुए हो तो उसके बारे में आपको डिटेल लिखनी है। एंड डू यू सफर फ्रॉम एनी ऑफ डिजीजेज, अगर आप इन पर्टिकुलर डिजीजेज से पहले कभी सफर कर रहे हो तो आपको यस करके उसके बारे में डिटेल देनी है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते नहीं है, तो आपको नो नो पे क्लिक करना है। तो जब आप नो नो पे क्लिक कर दोगे आपका यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। आप देखोगे आपके ऊपर सारे बार जो पहले रेड थे अब ग्रीन हो चुके हैं। अब आप नीचे जाओगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। जब आप सेव पे क्लिक करोगे तो जितना भी डाटा आपने अभी तक सेव किया है वो एक जेसन फाइल में सेव हो जाएगा। अब जेसन फाइल क्या होती है, फॉर सपोज आपने अभी आप अपना विडेक्स फॉर्म भरने बैठे हो और आप आइडेंटिफिकेशन पेपर तक आए हो और फॉर सम रीज़न आपको अभी छोड़ना पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप जितना फॉर्म भरे उस पर सेव पे क्लिक कर लोगे तो वो जितना डाटा होएगा वो सेव हो जाएगा। तो आपको क्लिक करना है इंपोर्ट डाटा पे। अब आप इंपोर्ट डाटा पे आओगे तो आपने जो जेसन फाइल सेव करी होगी वो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर दो। तो उससे क्या होगा, जितना भी आपने अभी तक विडेक्स फॉर्म भरा होगा वो सारा आ जाएगा, तो आपको दोबारा भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बच जाएगा। और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जब आपका एक बार फॉर्म भर जाए तो एक बार जेसन फाइल में वैसे ही सेव करके रख लो कि अगर इन फ्यूचर कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़े तो आपको सारा विडेक्स फॉर्म स्टार्टिंग से ना करना पड़े, वो जेसन फाइल को आप इंपोर्ट करो और उसके अकॉर्डिंग अपना डाटा चेंज कर लो। जब आपका फाइनल सब तैयार हो जाए विडेक्स फॉर्म, तो आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपके पास एक पीडीएफ फॉर्मेट पे आ जाएगा, वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास जितनी भी आपने सारी डिटेल्स भरी होगी वो एक पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगी। इसको प्रिंट करा के आपको अपनी वीएफएस अपॉइंटमेंट वाले दिन लेके जाना है। इसमें आपको एंड में दिख रहा होगा ये बारकोड, तो ये बारकोड इंपॉर्टेंट होते हैं, जितना भी डाटा आपने लिखा होता है वो बारकोड से सब स्कैन कर लेती है। और अब बात आती है कुछ स्टूडेंट्स की, वो पूछते हैं कि फॉर्म 54 के बारे में पूछते हैं कि फॉर्म 54 क्या होता है। अगर आपने पुराने वाले जो जिसमें मैन्युअली टाइप करते थे उसमें फॉर्म 54 अलग से होता था, बट जो विडेक्स फॉर्म होता है उसका सेकंड लास्ट पेज ही फॉर्म 54 होता है। अब फॉर्म 54 ये फॉर्म है जो स्टेट करता है कि आप जितनी भी चीज़ें भर रहे हो वो सारी आप सच भर रहे हो, और अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ है जो फॉल्स है या गलत है तो आप अपने ऊपर लीगल एक्शन लेने के लिए तैयार हो। सो आपको वो फॉर्म 54 होता है, सो आपको वो भी साइन करके साथ के साथ देना होता है। पहले ही अलग होता था बट अब विडेक्स फॉर्म में एक साथ आ चुका है। आपने अब विडेक्स फॉर्म भर लिया, अब दूसरा आता है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन फॉर एडिशनल कॉन्टैक्ट एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप इसमें देखोगे सो ये आता है ये वाला फॉर्म। अब इसमें क्या भरना होता है, इसमें भी कन्फ्यूजन आती है। ये भी बहुत सिंपल फॉर्म है, इसमें आपको अपनी नेम में अपनी नेम भरना है, एड्रेस में आपका एड्रेस, प्लेस एंड पोस्टल कोड अकॉर्डिंगली, आपका फ़ोन नंबर एंड ईमेल, और आपको ये पार्ट टिक करना है दैट आई एग्री ऑन बीइंग कॉन्टैक्टेड बाय ईमेल बाय कॉम्पिटेंट जर्मन मिशन। इसका मतलब
जो आप डिटेल यहाँ पे भरोगे, अगर आपको कभी किसी जर्मन एम्बेसी या कॉन्सुलेट या किसी भी जर्मन अथॉरिटी आपको कांटेक्ट करेगी, तो वो इन्हीं मीडियम पे कांटेक्ट करेगी, आपको किसी और वे पे कांटेक्ट नहीं करेगी, आपको इसी फोन नंबर या ईमेल पे कांटेक्ट करेगी। तो आप जो यहाँ पे डिटेल भर रहे हो, ये अपना आपको करंट और लेटेस्ट डिटेल ही भरनी है। उसके बाद आते हैं इसके जो नीचे पार्ट होता है कि प्लीज सेलेक्ट 1 एंड 2। अब ये 1 एंड 2 क्या है? इन एन अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ रिजेक्शन, अगर आपका रिजेक्शन आ जाता है तो आप रिजेक्शन कैसे रिसीव करना चाहते हो? अगर आप नंबर 1 पे क्लिक करोगे तो आपको रिजेक्शन आएगी, वो आएगी ईमेल पे। अगर आप नंबर 2 पे क्लिक करोगे तो आपको रिजेक्शन बाय पोस्ट भेजेगा। अब मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नंबर 1 ही सिलेक्ट करो, क्योंकि उसमें रिजेक्शन जल्दी आ जाती है। अगर आपको लगे कि मैं रिसबमिशन भरना चाहता हूँ, तो आप वो भी टाइमली भर सकती हो। उसके बाद एंड में आते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब कि आपके अलावा आपकी वीजा एप्लीकेशन और कौन रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अगर तो आपका कोई लॉयर है जो आपकी सारी लीगैलिटीज हैंडल करते हैं, तो उनकी डिटेल डाल दो। नहीं है तो अपने फादर की या फैमिली पर्सन की डिटेल डाल दो। अपने फादर का एड्रेस, नेम डाल दिया, फोन नंबर और अपनी ईमेल एड्रेस डाल दी, और उसके अकॉर्डिंगली नीचे आपने अपने आपके साइन और आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डाल दी। अब अगर आपको है तो आप ये वाला फॉर्म खाली भी लेके जा सकते हो, वहां पे भी भर सकते हो। बट विडेक्स फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विडेक्स फॉर्म आपको घर से ही भर के जाना है। अगर आपको कोई अभी भी कन्फ्यूजन है, तो मैं सजेस्ट करूंगा एक दो बार वीडियो रिपीट कर लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट कोई अगर ऐसा डाउट है जो अभी भी आ रहा है, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, मैं आपकी सारी क्वेरीज का आंसर दे दूंगा। और साथ ही साथ मेरा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरी वीज़ा अपॉइंटमेंट हो चुकी है, तो मैं जल्दी ही उसका एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आप कैसे अपनी वीजा अपॉइंटमेंट स्मूथली और फास्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को थम्स अप लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।